जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम कैट की तैयारी के सिलसिले में आज हम केमिस्ट्री के एम सी क्यूज़ को देख रहे हैं। तो पहला एम सी क्यू है, द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज़ डीलिंग विद कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप देख रहे हैं कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मेनली केमिस्ट्री डील करती है। कंपोजिशन से मुराद कि वो किन एलिमेंट्स पर कंपोज हुआ हुआ है कोई भी मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सेकेंड, द रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ट्राइटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। आपको मालूम है हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम तीन आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है उसमें एक प्रोटॉन होता है आपके फर्स्ट आइसोटोप में। अगर हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो जाए तो हम कहते हैं ये ड्यूट्रियम है, और अगर एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हो जाए तो हम कहते हैं ये ट्रिटियम है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। आपको याद है इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी हुई थी वो जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट जो है यानी Na2CO3 वो जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं उसे अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटेंस, अब देखें इसमें सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो सब्सटेंस जो प्योर चीज़ होती है, प्योर मटेरियल है, उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। क्या सी वाटर हमारा सब्सटेंस है? नो, ब्रास नो, क्योंकि वो मिक्सचर है, प्योर नहीं है। और टेप वाटर, इसमें भी कुछ ना कुछ मटेरियल मिले होते हैं पानी के अंदर। लेकिन ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, जब लफ्ज़ ग्रेफाइट यूज़ हुआ तो इट मीन्स ये प्योर ग्रेफाइट की बात हो रही है। तो ग्रेफाइट एक एलिमेंट है। जो सब्सटेंस होता है वो दो चीज़ें होती हैं, आइदर एलिमेंट या फिर आपका कंपाउंड। तो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन खालिस हो। जैसा कि अगर प्योर वाटर होता, सी वाटर के बजाय प्योर वाटर कहते तो फिर वो सब्सटेंस होता। और प्योर गोल्ड है या प्योर कोई भी एलिमेंट है तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस है। सब्सटेंस से मुराद प्योर मटेरियल, प्योर मैटर, उसमें किसी और मटेरियल की मिक्सिंग नहीं है। पानी के अंदर अगर आप थोड़ा सा कोई और मटेरियल मिला देंगे, कोई भी लिक्विड या सॉलिड मिला देंगे, तो आप कहेंगे अब ये सब्सटेंस नहीं रहा, ये मिक्सचर बन गया। आगे चलते हैं जी। सब सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। दीज सब्सटेंसेस आर जनरली, तो भाई कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। इन सब्सटेंसेस को हम जनरली क्या कहते हैं? तो सबको मालूम है कि इन सब्सटेंसेस को हम मेटालिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब मेटालिक सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है, मेटल तो सॉलिड फॉर्म में आपने ज़्यादातर देखी होगी, जैसे आयरन है, कार्बन है, और आयरन है सॉरी कॉपर है, और इसी तरह बाकी डिफरेंट टंगस्टन है, सिल्वर है, बहुत सारी क्रोमियम है, बहुत सारी मेटल्स हैं सॉलिड फॉर्म में हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती हैं, जैसे मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। मेटल ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में हो मटेरियल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, या सॉलिड फॉर्म में हो, तो हम कहते हैं ये मेटल है। कोई भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हों इनसाइड और उसमें करंट फ्लो हो सकता है, तो हम कहते हैं दैट इज अ मेटल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट बाई में आइस, डायमंड और सक्रोज, ये तो तीनों क्रिस्टल्स बनाते हैं। प्लास्टिक क्रिस्टल नहीं बनाता, तो ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट, कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स हैव, भाई कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाली जितनी भी क्रिस्टल्स हैं, जैसे कि आपको डायमंड का मालूम है या ग्रेफाइट है
तो हम कहते हैं अगर ये इनकी क्रिस्टल्स बनी हुई हैं तो कार्बन से दूसरे कार्बन के दरमियान, डायमंड की बात कर लीजिए तो डायमंड प्योरली कार्बन से बना होता है और हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चार बॉन्ड बना रहा होता है। तो इनमें आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स का एक नेटवर्क है, जाल है। तो इस नेटवर्क की जो बात की जा रही है, कोवलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स हैव क्या जी, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। भाई क्यों, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है। तो हम कहते हैं ये जो बॉन्ड्स आपके पास कार्बन बना रहा है, ये चार चार बॉन्ड्स बनाने की वजह से इनके अट्रैक्शन एटम्स के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं और इनको मेल्ट करना मुश्किल होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बकिया से। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल एंड सल्फर। तो भाई मिक्सचर को क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को जिसमें पोटाशियम नाइट्रेट होता है और चारकोल होता है और सल्फर होता है, तो भाई इसको गन पाउडर कहते हैं। ये जो आपकी गन होती है जिसमें बुलेट चलती है, तो उस बुलेट के अंदर ज़्यादातर जो है वो गन पाउडर जो यूज़ करते हैं उसमें पोटाशियम नाइट्रेट चारकोल और सल्फर का मिक्सचर बन भरा होता है उस बुलेट के अंदर जो ब्लास्ट करता है। आगे चलते हैं जी। डायमीटर ऑफ एन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ 2 नैनोमीटर्स, 0.2 नैनोमीटर्स मीन 2 × 10⁻¹⁰ m। और अगर मैं इसको 0.2 करूँगा तो 0.2 × 10⁻¹⁹ नाइन कहते हैं नैनो, 10⁻¹ का मतलब नैनो है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 0.2 से पहले। ओके जी, तो आप कहते हैं 0.2 × 10⁻¹ को एटम का जो डायमीटर होता है, कोई भी एटम का जो साइज़ होता है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर किसे कहते हैं, सेंटर से गुजरे लाइन सर्कल के अंदर और एक एंड से दूसरे एंड तक का जो फासला है उसे डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर ऑफ एन एटम, एटम का जो ओवरऑल डायमीटर बनेगा, ज़्यादातर एटम्स छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, ऑन द एवरेज बात की जा रही है कि तमाम एटम्स के डायमीटर को चेक किया गया उन तमाम का फिर एवरेज लिया जाए तो तकरीबन एटम जो है वो 2 × 10⁻¹⁰ m का हो सकता है। ये बहुत छोटी वैल्यू है, 10⁻¹⁰ का मतलब 1 मीटर का 1/1000वां हिस्सा, बिलियंथ पार्ट, बहुत छोटी वैल्यू है। तो एटम बहुत स्मॉल साइज का होता है। एन अल्कोहल विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, जो अल्कोहल अम्ले तखमीर से, फर्मेंटेशन कहते हैं तखमीर, खमीर आने को। तो आपको मालूम है फ्रूट्स को जब हम खमीर लगाते हैं, यानी किसी बर्तन में बंद करके आप ज़मीन में दफन कर दें तो उससे भी अल्कोहल बनती है, या फिर आप उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस कुछ आप बैक्टीरियाज डाल दें किसी बर्तन के अंदर, फ्रूट या कोई और मटेरियल जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हों, यानी जैसे आलू वगैरह या पोटैटोज जिसकी बात हो रही है, इनको अगर कुछ अरसे तक रखा जाए, ज़्यादातर फ्रूट्स को, तो उसमें जो मटेरियल है बनता है उसे अल्कोहल कहते हैं। तो ये किससे बनता है जी, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। जो वैसे तो बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, मिथाइल अल्कोहल भी है और इथाइल अल्कोहल भी है और फिनाइल अल्कोहल भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल बनती है वो आपकी इथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH। तो फर्मेंटेशन से हमेशा इथाइल अल्कोहल बनेगी, जो बकिया अल्कोहल्स हैं वो किसी और प्रोसेस से बनती हैं, उनकी डिटेल फिर आगे ऐसा ऐसा आप सीखेंगे। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद फास्फोरस हेलाइड्स इट गिव्स अल्काइल हेलाइड्स। देखें जी, आपको मालूम होना चाहिए जब अल्कोहल रिएक्ट करती है, अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। ये अल्काइल, आर मीन अल्काइल ग्रुप, या कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मिले हों, ग्रुप बन रहा हो तो उसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। जैसे आर को मैंने CH3 कह दिया मिथाइल, अगर दो कार्बन वाली चेन होगी तो सबको मालूम है इथाइल होगा और इसके साथ OH लगा हुआ है। अब अगर इसको हम किसी हेलाइड से रिएक्ट करवा दें तो फिर क्या होगा, जैसा कि हम कहते हैं आप इसे HCl से रिएक्ट करवा दें तो फिर क्या होगा, HCl से रिएक्ट करते हुए H OH को पकड़ेगा और वाटर बना देगा और Cl इधर अटैच हो जाएगा,
तो ये मिथाइल हेलाइड मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, मिथाइल हेलाइड या अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। तो जब भी आप अल्काइल इसको किसी हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका पानी बन जाएगा और अल्काइल जो है वो हेलोजन के साथ मिल जाएगा और अल्काइल हेलाइड, इस आर ग्रुप को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, तो अल्काइल हेलाइड। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव ओएच ग्रुप, कुछ के पास ओएच ग्रुप नहीं होता। तो हमें मालूम है कि ये ग्लाइकोल्स में भी ओएच होता है, ग्लिसरॉल में भी ओएच होता है, पिक्रिक एसिड भी चूंकि एसिड है तो यहाँ पर भी कार्बोनिक एसिड या ओएच होगा, एसिडिक ग्रुप होता है। लेकिन इथाइल एसीटेट में ये एस्टर है और एस्टर आपको मालूम है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ में अल्काइल आपके पास हो तो इथाइल एसीटेट बनेगा। तो ये कीटोन्स के साथ हम ओएच के साथ कोई मटेरियल अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो हम कहेंगे ये एस्टर कहलाएगा, यानी आपका ये कार्बोनिक ग्रुप इधर जो है जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ यहाँ हम ऑक्सीजन को हटा ओएच था, अगर ओएच हो इसमें से आप हाइड्रोजन को हटा के यहाँ को अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये एस्टर बनता है। तो इसमें आपको कहीं ओएच नज़र नहीं आ रहा, तो ओएच में से हाइड्रोजन हटा दिया था तो हम कहेंगे अल्कोहलिक ग्रुप ख़त्म हो गया और ये इथाइल एसीटेट बन गया, तो ये एस्टर बन गया। याद रखेंगे आइंदा से कि ये एस्टर जो होता है उसका फार्मूला सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ और उसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लग जाए तो हम कहते हैं ये एस्टर है। ईथर्स शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म विद व्हाट, तो आप कहेंगे जी एल्डिहाइड्स, तो ईथर्स हैं वो फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं किसके साथ, तो भाई अल्कोहल्स के साथ ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो एक से ज़्यादा शक्लों में नज़र आना। तो ईथर्स के अंदर अगर आपके पास हम कह दें जनाब ये एक ईथर है और ईथर का फार्मूला सबको मालूम है, दरमियान में ऑक्सीजन हो, इस तरफ कार्बन हो, इस तरफ कार्बन हो तो ईथर होता है, और इसके साथ अगर हम लोग कोई एक OH ग्रुप लगा दें इस तरफ और दूसरी तरफ कोई OH ग्रुप लगा दें तो हम कहेंगे यहाँ भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों एक ही तरफ OH ग्रुप लगे हों और इधर सिर्फ H लगे हों, ये OH ना लगे हों, तो दो OH इसमें भी आ गए और पहले वाली शक्ल में जहाँ जब मैंने एक तरफ नहीं लगाया था इस तरफ लगाया था तो उसमें भी दो OH ग्रुप थे। तो दोनों शक्लों में फार्मूला तो सेम रहेगा, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद तो सेम रहेगी लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये आइसोमेरिज्म है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड, तो कौन है भी लैक्टिक एसिड, तो आपको फार्मूला याद होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, यानी तीन कार्बन की जो चेन का एसिड होता है प्रोपेनोइक एसिड कहलाता है, और उसमें दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ हो तो हम कहते हैं ये टू हाइड्रोक्सी है, पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, इस कार्बन पे ओएच ग्रुप लगा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो ये टू हाइड्रोक्सी आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन तीन कार्बन को कहते हैं, तो तीन कार्बन का जो एसिड था उसके साथ दूसरे कार्बन पे ओएच लगा है इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स आर ग्रेटर हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, भाई कौन सी जिसका जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस है। और ग्लिसरॉल में आपको मालूम है हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं जिन अल्कोहल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लिसरॉल्स में आपको तीन OH मिल जाते हैं, हम कहते हैं ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव की तादाद बढ़ जाती है जिससे मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जब चार्ज बढ़ता है नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है, और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ग्रेटर बॉल, तो इसलिए हम कहेंगे ग्लिसरॉल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है।
water gas heated at 450 degrees centigrade and 200 atmospheric pressure in the presence of ZnO plus Cr2O3 जो आपका कैटलिस्ट है विल प्रोड्यूस व्हाट? तो आपको मालूम होना चाहिए मिथेनॉल प्रोड्यूस करता है। जब भी हम गैस को यानी आपकी मीथेन गैस को पास करवाते हैं CH4 को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी ZnO ट्यूब से जिंक ऑक्साइड और सी आर टू क्रोमियम ऑक्साइड वाली मटेरियल से या किसी ट्यूब से पास की जो इससे बनी हो इस मटेरियल से जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के मटेरियल से बनी हुई ट्यूब से पास करवाते हैं और 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना गर्म करते हैं इस गैस को और प्रेशर हम रखते हैं 200 एटमोसफेयर, तो फिर आपकी जो CH4 है अगर ये उधर से गुजरेगी तो फिर ये उससे कन्वर्ट हो जाएगी जो आपकी गैस है वाटर गैस, और वाटर गैस से मुराद वाटर गैस ये कह रहे थे मैं मीथेन गैस की बात कर गया, तो CO2 प्लस H2O, तो ये आपके अल्कोहल बना देगी। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है तो उसे हम वाटर गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को वाटर गैस कहते हैं, और इस मटेरियल को जब हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड से पास करवाएंगे 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे CO2 प्लस H2O को, तो ये मिथेनॉल बना देगा, वाटर गैस में मीथेन गैस से लिया है। आगे चलते हैं जी, द फार्मूला ऑफ स्टार्च इज, तो भाई स्टार्च का फार्मूला जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ स्टार्च, निशास्ता भी कहते हैं स्टार्च भी कहते हैं, ये जेनेरिक फार्मूला है आपके स्टार्च के, इसको याद रख लें कि C6H10O5 ये आपका स्टार्च का जेनेरिक फार्मूला है, यानी 6 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे, 5 ऑक्सीजन होंगे, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि इसमें 6 कार्बन आप लगा लें ऊपर नीचे करके कहीं लगा लेते हैं और हर एक के साथ एक OH होगा और इस तरफ आपके पास कार्बन के साथ डबल O और फिर हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, हाइड्रोजन पूरे कर लें और हर एक के साथ एक OH होगा और OH होगा, तो हम कहेंगे ये 6 कार्बन होंगे और 10 हाइड्रोजन होंगे और 5 ऑक्सीजन होंगे, कहीं एक डबल बॉन्ड बन रहा होगा, तो ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा जिसमें 6 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन होने चाहिए थे लेकिन 10 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ डबल बॉन्ड बन रहा होता है ऑक्सीजन के साथ। आगे चलते हैं जी, द रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स, रेक्टिफाइड मीन साफ की हुई, बेहतरीन हालत की जो स्पिरिट होती है, या स्पिरिट को अल्कोहल भी कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए स्पिरिट जो होती है मेडिकल स्टोर से मिलती है उसमें वो अल्कोहल होती है, और रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब साफ की हुई बेहतरीन, जैसे हर लिहाज से उसे अच्छा बनाया गया, रेक्टिफाई किया गया है, अच्छा किया गया है वो स्पिरिट, उसमें कितने परसेंट अल्कोहल होगी? तो भाई वो खालिस स्पिरिट है, खालिस अल्कोहल है, स्पिरिट को तो अल्कोहल कहते हैं, तो 95% उसमें अल्कोहल होगा। आगे चलते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल यील्ड, जो ऑक्सीडेशन है आइसोप्रोपाइल, अब आइसो का लफ्ज आपको मालूम होना चाहिए वो यूज होता है आपके पास जब हाइड्रोकार्बन की तीन, अगर मेरे पास कोई कार्बन हो तो उसमें दरमियान वाले कार्बन पर जब आपके पास कोई मटेरियल लगा होता है तो हम कहते हैं ये आइसो है, और अगर ये कार्बन के साथ 4 कोई बॉन्ड बना के कोई ग्रुप बना रहे तो उसे नियो कहते हैं, तो हम इस वक्त आइसो की बात कर रहे हैं, तो प्रोपेनोन जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या बनाती है, प्रोपेनोन बनाती है, तो इसकी डिटेल में अभी मैं इस नहीं जाना चाह रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे लिखना पड़ेगा और मेरे पास स्पेस नहीं है, और आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करते हैं तो उससे हमें ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हम उसके साथ उस हाइड्रोजन को निकालते हैं और ऑक्सीजन को उसमें ऐड करते हैं, तो इस फिनोमिना को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो उससे प्रोपेनोन बनता है। आगे चलते हैं जी, द डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स रिक्वायर्ड टू रिएक्ट ईच ऑफ देम इज, अगर आपने
अलग अलग करना हो, डिस्टिंक्शन करनी हो प्राइमरी अल्कोहल की सेकेंडरी से और सेकेंडरी की टर्शरी से, कि तीन बर्तन हैं और आपको कहा जाए कि तीनों में डिफरेंट अल्कोहल पड़ी हुई, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल और एक में टर्शरी अल्कोहल है, आप अलग अलग करके दिखाएं, तो भाई आप कैसे उसे अल्कल कैसे अलग करेंगे, तो कंसनट्रेटेड HCl को आप रेक करवाएंगे और जिंक क्लोराइड को रेक करवाएंगे। अगर आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे तो आप कहेंगे, जिनका कलर डिफरेंट होता है तो आप कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल है, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे जिनका कलर डिफरेंट होता है तो आप कहेंगे ये सेकेंडरी है, और टर्शियरी अल्कोहल होगी तो फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनेंगे। और ये चूँकि अल्काइल हैलाइड्स हम पहचान सकते हैं नॉर्मली भी, तो इसलिए उनको आसानी से हम अलग कर सकते हैं कंसनट्रेटेड HCl की मदद। तो याद रखना है जब आपने डिस्टिंक्शन करनी हो तो कैसे करते हैं जी, तो आप करते हैं जनाब इसका, आपने डिस्टिंक्शन करनी है तो आप कंसनट्रेटेड HCl को यूज़ करते हैं ZnCl2 के साथ, तो इसे हम टेस्ट भी कहते हैं कि जनाब ये आपका टेस्ट है जो सेपरेट करता है, इसे टेस्ट की मदद से आप अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, द गिवन एसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ये जो सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट जो Ka है उसकी वैल्यू आपको दी गई है 1.3×10⁻¹⁰। किसके लिए? डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है आयोनाइज होने की सलाहियत। तो फिनोल पानी में कितनी तेज़ी से आयोनाइज होती है, आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आयोनाइज नहीं होती, डिसोसिएट या टूटती नहीं है। नॉर्मल जो अल्कोहल है वो जल्दी से टूट जाती है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसकी वो ज़्यादा आयंस बनाती है पानी के अंदर, आयोनाइज हो जाती है। आम अल्कोहल में जो आपका OH बॉन्ड होता है ये पानी के अंदर जाकर नेगेटिव और पॉजिटिव ये टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन फिनोल जो है वो नहीं टूटती क्योंकि वो बेंजीन से बनी होती है और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन जो है जो बॉन्ड बना रहे होते हैं सर्कुलर बॉन्ड जो होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, इसे एरोमेटिक करेक्टर भी कहते हैं और ये बड़ा स्ट्रांग उसकी स्टेबिलिटी, तो ये क्यों होती है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जो बॉन्ड होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है बेंजीन के अंदर और वो टूटता नहीं है और वो अपने साथ OH ग्रुप को अपने साथ मिला के रखता है, तो ये जो आपकी कार्बन के रिंग के साथ OH जुड़ा होगा वो टूटता नहीं है, हम कहते हैं ये स्ट्रांग होता है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है, आयनाइज नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस लास्ट में कर लेते हैं और फिर इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। तो आप मुसलसल साथ रहा करें और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा करके एंटी टेस्ट समझाया जाए, एंटी टेस्ट होने में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तैयार, तो इंशाल्लाह ये आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा और साथ ही आपको हेल्प करेगा फॉर एंट्री टेस्ट। तो मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड किसके लिए जी, एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। मिथाइल अल्कोहल को हम यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बर्निंग या इन्फ्लेमेबिलिटी कम होती है। इथाइल अल्कोहल को एज ए अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं एज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल क्योंकि वो सिपरेट है और सिपरेट आपको पता है सिपरेट लैंप में हम सिपरेट जलाते हैं बड़ी अच्छी जलती है, यानी शराब जो है ये सिपरेट जो है वो अच्छी जलती है, जबकि जो आपका मिथाइल अल्कोहल होता है वो अच्छा नहीं जलता है, उसके अंदर उतनी बर्निंग नहीं होती, वो उतनी तेज़ी से बर्न नहीं हो सकता या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मिथाइल अल्कोहल का बॉन्ड स्ट्रांग होता है ऑक्सीजन के साथ, वो सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड होता है, ये टूटता नहीं है, तो ऑक्सीजन आके इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, इसको बर्निंग नहीं करवाता, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं पैदा नहीं होता। इथाइल अल्कोहल या सिपरेट जो है वो जल्दी से टूट जाती है और वो धुआं सी कार्बन जो होगा वो उसका धुआं बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल्दी बर्निंग कर लेगा, उसके बॉन्ड ज़रा वीक होते हैं, इथाइल अल्कोहल के बॉन्ड ज़रा स्ट्रांग होते हैं। आगे चलते हैं जी, फॉर डीनेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी कलर ख़त्म करना अगर इथाइल अल्कोहल का, सॉरी इसका नेचुरलपन ख़त्म करना, यानी
जैसे नेचुरल जो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल या शराब है, उसको अगर हमने ख़राब करना हो तो अल्कोहल मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज टू डिटरमिन द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स. अच्छा सॉरी, यहाँ कुछ कहा कुछ और जा रहा था, मैं उसको डिफरेंट समझ बैठा. यहाँ उसने तस्करा किया है डी नेचरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल मास स्पेक्ट्रोमीटर. तो इथाइल अल्कोहल मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसकी डी नेचरिंग करनी हो अगर, तो वो कहते हैं जी मास नंबर को हम यूज़ करते हैं, तो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है क्या फाइंड करने के लिए, मास नंबर फाइंड करने के लिए. तो उसमें वो क्या डिटरमिन करता है, रिलेटिव अबंडेंस. ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ भाई. इथाइल अल्कोहल बेस्ड जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला है जो मासिस को डिटरमिन करता है, और डिफरेंट मास वाले अगर आइटम्स आपके पास हों उस आले में भेजते हैं तो वो उनको मूव करवाया जाता है. तो अगर हैवी मास होगा तो वो ज़रा दूर जाके गिरता है, लाइटर मास करीब गिरता है, और उससे लाइटर मास और करीब गिरता है क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज़्यादा आ जाता है. और हम इस तरह से फिर मास स्पेक्ट्रोग्राफ में डिटरमिन कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स पहले मिक्स थे हमने उनको अलग अलग जब फेंका उसे मूव करवाया तो वो जो दूर जाके गिरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से. स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम मकनातीस से डालते हैं, वो चार्ज को खींचता है, आइंस को खींचता है, तो उससे पता लगता है कितने एटम्स थे जो भारी थे, उनकी क्या अबंडेंस थी, कितनी कसरत थी, अबंडेंस मीन कसरत, और जो लाइटर एटम्स थे वो कितने थे. जितना ज़्यादा उधर मटेरियल वो तादाद में ज़्यादा एटम्स गिर रहे होते हैं दूर, तो हम कहते हैं इनकी कसरत ज़्यादा है. अगर थोड़ी तादाद में गिर रहे होंगे तो हम कहेंगे उनके अबंडेंस कम है. तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एटम्स जो या मटेरियल्स के जो एटम हैं उनकी अबंडेंस एक दूसरे के लिहाज से कितनी है वो डिटरमिन करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टाइम जो बकिया क्वेश्चंस हैं यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज एमकैट प्रिपरेशन के लिए. आप अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर एंट्री टेस्ट जो है वो हम प्रिपेयर करवाते हैं और उसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं. आप इसको बैठे उठते जब आप इजी हों इन यूट्यूब लेक्चर्स को सुनते रहें, आपकी प्रिपरेशन तैयार एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन होती रहेगी. और ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये डोगर ब्रदर्स की बुक है जो आपकी एमकैट की ये बुक जो है आप यूजुअली यूज़ होती है प्रिपरेशन के लिए. और ये मैंने वेबसाइट पे भी रखी हुई है, आप मेरी वेबसाइट का विज़िट करें और उस वेबसाइट पे जाके आप इसे बआसानी, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दिखाता हूँ, आप बआसानी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं कैन कॉलेज की वेबसाइट से. जैसे मैं कैन कॉलेज की वेबसाइट पे जाता हूँ तो आपको नज़र आएगा ये कैन कॉलेज की वेबसाइट है और नज़र आ रही है, और इसमें ये डोगर ब्रदर्स की बुक है. तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी. मैं इसे डाउनलोड नहीं करता, मेरे पास तो ये है, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे. ठीक है जी, फी अमानिल्लाह, नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़.